खालिस्तानी आतंकी अमेरिका का दोस्त। खालिस्तान पर खेल कर रहा है अमेरिका। खालिस्तानी आतंक पर दोहरा चरित्र। खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर कनाडा के बाद अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड की भी पोल खुल गई। अमेरिका ने भारत पर अमेरिकी नागरिकता रखने वाले खालिस्तानी आतंकी की हत्या की साजिश का बेबुनियाद आरोप लगाया है। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत ब्रिटिश मीडिया की एक रिपोर्ट से हुई, जिसमें दावा किया गया है कि न्यूयॉर्क में भारत ने अलग सिख राज्य की मांग करने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि निखिल गुप्ता ने भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ मिलकर ये साजिश रची। खालिस्तानी आतंकी की हत्या करने की डील $1,00,000 में तय हुई थी, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों ने सही वक्त पर इस साजिश को नाकाम करते हुए 30 जून को आरोपी निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था। जिस खालिस्तानी आतंकी को लेकर अमेरिका भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, उसके खिलाफ भारत में कई FIR दर्ज है। आतंक पर समझौता न करने का दावा करने वाला अमेरिका भी खालिस्तानियों पर दोहरा रवैया अपनाता रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि डिकेड्स से, दसियों सालों से आतंक के मामले को लेकर के अमेरिका और यूरोप के जो विचार हैं वो अलग रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं। भारत 30-40 साल से बार बार कहता है आतंक के मुद्दे को लेकर के अमेरिका और यूरोप एक अलग ही नजर से देखते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं विदाउट डाउट। अमेरिका ने पूरे मामले की जानकारी भारत सरकार को दी, जिस पर विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अमेरिका ने भारत को खालिस्तानी आतंकी पर हमले की कोशिश से जुड़ी कुछ जानकारियां दी, जिसकी जांच के लिए 18 नवंबर को ही जांच कमेटी बना दी गई है। अरिंदम बागची ने कहा कि ये इनपुट संगठित अपराधियों, हथियारों के तस्करों और आतंकियों के बीच गठजोड़ को लेकर है। इन जानकारियों को भारत भी गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। विदेश मामलों के जानकार भी मान रहे हैं कि आतंकवाद और खालिस्तान के मुद्दों पर जहां भारत का रुख सख्त है, वहीं अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का रवैया उतना सख्त नहीं है। अमेरिका और कनाडा, इन देशों ने जिस हिसाब से, जिस सीरियसनेस से खालिस्तान के मुद्दे को देखा है और भारत की जो चिंताएं हैं आतंक को लेके उनको देखा है, उसमें डेफिनेटली बहुत ही कमी रही है। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकियों को भारत के खिलाफ बयानबाजी की छूट मिली हुई है। अमेरिका का ही एक थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट अपनी रिपोर्ट में खालिस्तानियों पर बड़ा खुलासा कर चुका है। रिपोर्ट में अमेरिका में रहने वाले 55 कश्मीरी और खालिस्तानी संगठनों के ऑपरेट करने का दावा किया गया है। बताया गया है कि इन संगठनों को पाकिस्तान से फंडिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग और समर्थन मिल रहा है, और भारत में हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से भी इनका कनेक्शन है। अमेरिका में तैयार हुई इस रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि भारत से खुफिया जानकारी के बावजूद अमेरिका ने एक्शन नहीं लिया, और इसकी वजह है अमेरिकी सेना को 9/11 के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान से मिली मदद। दावा यह भी है कि कश्मीर और खालिस्तान के एंटी इंडिया गुट मिलकर भारत अमेरिका की दोस्ती को कमजोर करना चाहते हैं, यानी खालिस्तानी अमेरिका में रहकर उसी को टारगेट भी कर रहे हैं। अमेरिका जब तक वो ढूंढना नहीं शुरू करेगा और अपनी लोकल इंटेलिजेंस को अपने शहरों में, खास करके इन गुरुद्वारों के आसपास समझने के लिए कि फ्यूचर का आतंकी कौन ज्यादा वायलेंट हो सकता है, तब तक अमेरिका को एक खतरा बनता रहेगा। अमेरिका से पहले कनाडा ने भारत पर एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार आ गई थी। अब अमेरिका भी कनाडा की राह पर चल रहा है। सवाल यह है कि अमेरिका के भारत पर लगाए गए इन बेबुनियाद आरोपों के बाद क्या दोनों के रिश्तों में खटास आ जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।